हेलो, मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह। आज हम आप लोगों को बीएड विशिष्ट शिक्षा में वीडियो लेक्चर हमारा जो होना है उसमें बीएड एसी 03 पेपर है और जिसका टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी, इस पे पिछले वाले वीडियो में भी हम आपको कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं यूनिट वन की। आज हम यूनिट टू, ब्लॉक वन यूनिट टू लिए हैं जिसमें प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड इट्स इम्पीडेंट लीडिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। तो आज हम इस लेक्चर, इस टॉपिक पे हमारा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, और इसमें तीन चीज़ें हम आपको ये टॉपिक के बाद समझ में आएगा कि प्रोसेस ऑफ हियरिंग क्या है, कि सुनना किसकी प्रक्रिया क्या है सुनने की। दूसरा, डिफरेंट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हियरिंग लॉस हैं, इसके क्या प्रकार हैं और क्या समझ पाएंगे। हाउ टू डज हियरिंग वर्क, हमारा कैसे कार्य करता है हियरिंग का। और तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है इस टॉपिक में, अफेक्ट्स ऑफ हियरिंग लॉस कैसे प्रभावित करता है एक व्यक्ति को। ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आज के लेक्चर में हैं। इसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। मेन जो है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस विच इन्वॉल्व आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर। ये हमारा जो शेप है आप पिक्चर्स में देख रहेंगे, ये आउटर ईयर है। आउटर ईयर के बाद ये जो पोर्शन आ रहा है हमारा मिडिल ईयर का, जो यहाँ पे इंडिकेट भी हो रहा है आप ध्यान देंगे, तो ये मिडिल ईयर का पार्ट है और इसके आगे का इनर ईयर का पार्ट है। तो हम मेन पहले फर्स्ट जो बात करेंगे, कंडक्टिव हियरिंग लॉस विच इन्वॉल्व द आउटर और मिडिल ईयर, या तो यहाँ पे रहेगा ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस, या तो यहाँ पे अफेक्ट है। अगर मिडिल ईयर में कोई अफेक्ट है तो उसको प्रोवाइड करता है। यानी कान के हमारे तीन पार्ट हैं, आउटर, मिडिल और इनर, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो अंतःकर्ण हमारा कॉक्लिया का हियरिंग प्रोसेस का है, मिडिल हमारा यहाँ पे ये पोर्शन जो दिख रहा है, और आउटर ईयर का ये पोर्शन दिख रहा है। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या इन्वॉल्व है, आउटर ईयर और मिडिल ईयर, दो हमारे कंडक्टिव हियरिंग लॉस में है। दूसरा हमारा है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस विच इन्वॉल्व द इनर ईयर, यानी जो केवल इनर ईयर पे है। यानी आउटर और मिडिल का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम जब हमारा आंतरिक कान में कोई अफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारा हियरिंग लॉस है, ऐसे हियरिंग लॉस को हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देंगे। ये हमारा इनर ईयर का पार्ट है। तीसरा है मिक्स्ड, मिक्स्ड विच इन मिक्स ऑफ द टू, यानी क्या टू क्या है, कंडक्टिव फर्स्ट, यानी ये दोनों यही है, विच ऑफ द बोथ बोथ ऑफ हियरिंग लॉस जो है, चाहे वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है चाहे सेंसरी न्यूरल, बोथ ऑफ हियरिंग लॉस क्या हो जाएगा, मिक्स्ड हो सकता है। यहाँ पे कंडक्टिव यानी मिडिल ईयर और इनर आउटर ईयर का बात हो रहा है, और मिक्स्ड यानी इनर ईयर भी इसमें इन्वॉल्व है। तीन तरीके के हमारे टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट टाइप में, ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस इज द कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्शन और इन माल फंक्शन इन द आउटर या मिडिल ईयर। इट कैन कॉज्ड बाई आउटर और मिडिल ईयर इन्फेक्शन एंड इन माल फंक्शन, डैमेज ऑफ ईयर ड्रम, इम्पैक्ट ऑफ ईयर वैक्स। तो तीन चीजें यहाँ पे मेनली हैं जो कॉजेज हैं इसके। कॉजेज क्या, कॉजेज पे हम अगले नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे। कंडक्टिव हियरिंग लॉस का जो ऑब्स्ट्रक्ट है यानी आउटर ईयर अगर कुछ खराबी आ जाए, दूसरा या मध्य कर्ण में कुछ खराबी है इसमें, डैमेज ऑफ ईयर ड्रम, ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा, अगर वो अफेक्ट है, छिद्र हो सकता है उसमें, कभी कभार होता है फट जाता है, कहते कान का पर्दा पड़ गया तेज आवाज या ये सब होने पर या कहीं चोट लग जाने पर, और इम्पैक्टेड ईयर वैक्स, ईयर वैक्स यानी जो कान में हमारे कचरा वगैरह, अगर गंदगी वगैरह बहुत ज्यादा हो गए हैं तो भी सुनना हमारा प्रभावित होगा। तो इन सब तरीके के अगर हमारे साथ हो रहा है कंडीशन, अगर ऐसे आ रहे हैं तो इसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस पे ले जाते हैं। इसके कॉज के बारे में अगर हम करें, कॉजेज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो तीन बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी अगर हम ईयर कैनाल क्या है, ईयर एंड ईयर क्लारल मिडिल ईयर स्ट्रक्चर में कंडक्टिव हियरिंग के माल फंक्शन
काम करने में अगर उनमें दिक्कत आ रही है, जो भी उसका नेचर है, जैसे आउटर ईयर का सोर्स, आउटर ईयर क्या करता है, ध्वनियों को हमें परसीव कराता है। मिडिल ईयर क्या करता है, उन ध्वनियों को अंदर की तरफ ले जाते हैं। मिडिल ईयर में मोस्टली तीन पार्ट होते हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। ये तीनों हमारे मिडिल ईयर के पार्ट हैं। तो ये अगर उसमें मिडिल ईयर में हमारा फ्लूइड, यानी कहते हैं ना कि कभी कभार कान में पानी आता होता, आप लोग भी जान रहे होंगे, कभी सोचिए कि कान से पानी निकल रहा है, तो ये अगर कंटिन्यू हो गया काफी दिन तक ऐसे होते रहा तो क्या होगा, प्रभावित करेगा आपके हियरिंग लॉस को। और ऐसा जो हियरिंग लॉस यानी सुनने में जब प्रभावित करेगा तो इस प्रकार के हियरिंग लॉस को हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस पे कहते हैं। फिर क्या है, ईयर ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन द मिडिल ईयर इन द, वही जो चीज़ें सेम कहा है, ईयर ड्रम या ऑसिकल्स, तो जो भी कान के पर्दे को प्रभावित कर दिया, या यहाँ पे आगे देखेंगे एलर्जीज हैं, जैसे एलर्जीज कैसे कभी कभी आपको होता है कि एलर्जी की वजह से सर्दी जुकाम या ये सब को होता है, उस फंक्शन में क्या होगा, कान आपका जब्त होता है, कहते हैं ना कि कान जब्त है, सुनाई कम दे रहा है, तो उस तरीके के भी अगर कॉजेज हैं तो भी आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस। पुअर स्टेचियन ट्यूब फंक्शन, स्टेचियन ट्यूब होता है जैसे जो हमारे आउटर ईयर और मिडिल ईयर को जोड़े हुए, ये एस शेप में होता है, तो अगर ये भी फंक्शन बेहतर तरीके से नहीं कर रहा है, इसका कंडीशन अगर पुअर है, या ईयर कैनाल में बहुत सारे वैक्स वगैरह अगर भर गए हैं, तब भी हमारा हियरिंग लॉस कंडक्टिव हियरिंग लॉस का वो कॉजेज बना सकता है। ईयर ड्रम परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या है ट्यूमर कभी कभार होता है कान में, कहते हैं कि फोड़ा या ये सब अगर निकल आता है, तो ये भी हमारे हियरिंग लॉस को, हियरिंग को प्रभावित कर देता है। तो ऐसे अगर हियरिंग लॉस होते हैं उसको भी हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस की श्रेणी में ले आते हैं। और इम्पैक्ट ऑफ ईयर वैक्स, जैसा कहा है, जैसे कान में मैल, या हम लोग प्राय गाँव में देहात में इसको कान में खूट, या कभी कभार होता है कि कोई भी आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा इससे बचना होता है कि अगर टेक्निकली अगर हमें कान की सफाई करानी है तो डॉक्टर से ही जाना चाहिए। गांव वगैरह में भी घूमते रहते हैं, तेल वगैरह डालना, फिर हवा के द्वारा पाइप से वो खींच के निकालते हैं, तो हमारा पर्दा कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जब भी अगर ऐसे साफ कराने की आवश्यकता पड़ती है तो बगैर डॉक्टर से मिले आप ना कराएं, ये आपके हियरिंग को प्रभावित कर सकता है, तो ये खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो इन्फेक्शन ऑफ द ईयर केनाल, ईयर केनाल यानी हमने बताया कि जो ये हाई केनाल एस शेप में जो हमारा होता है, तो जहाँ से ध्वनि अंदर मिडिल ईयर की तक प्रवेश करती है, तो ये अगर हमारा इन्फेक्ट है, अगर प्रभावित है फंक्शन इस पे, जैसे कहते हैं कि इन्फेक्टेड है, तब क्या होगा कि हमारा हियरिंग प्रभावित हो जाएगा। और ये सब जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया है, इतने सारे ऐसे सब चीजों से अगर हमारा श्रवण या हियरिंग प्रभावित होता है तो इसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट आया सेंसरी न्यूरल। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज कॉज बाय डैमेज द हेयर सेल्स इन द इनर ईयर, इट कैन बी यू कॉजेज बाय, अलग अलग चीजें हैं। यानी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के मेन क्या है, इनर ईयर को ही प्रभावित करता है, आंतरिक कर्ण को। आंतरिक कर्ण में क्या है मेन, कि डैमेज करता है क्या, हेयर सेल्स, जो हमारा इनर ईयर का पार्ट मेन होता है वो कॉकलिया का होता है, जो शंख के आकार का होता है, शंख के आकार में, और बहुत सारी चीजें उसमें, जैसे लपेटे हुए एक तो पाइप की तरह, तो उसमें फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड में हेयर सेल्स होते हैं, जो हेयर सेल्स की बात कही है वो हेयर सेल्स उसी में हमेशा लहराते रहते हैं। तो यही है हमारा जो साउंड वेव को हमें वहाँ ऑडिटरी पाथवे तक भेजता है मस्तिष्क, जब हमारा वो एक एनालाइज करता है। तो ये हेयर सेल्स अगर डेड हो जाए, डैमेज होते जाए, या उनमें जो कंपन है वो कम हो जाता है, तब क्या होगा कि हियरिंग प्रभावित होगा। और ऐसे हियरिंग जो प्रभावित होते हैं इस कैटेगरी के, उसको हम क्या कहेंगे, सेंसरी न्यूरल। एक्सपोजर ऑफ टू लाउड साउंड नॉइज सच एज मशीन या लाउड, आप कभी कभार जैसे करते हैं कि कोई काम करने वाले कंपनियों में बहुत ज़्यादा हमेशा शोरगुल हो जाता है, ऐसे शोरगुल वाले जगह पे जो काम करते रहते हैं वो उनके जो हेयर सेल्स हैं प्राय डैमेज होते हैं, धीरे 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 ऐसे हेयर सेल्स डैमेज होते जाते हैं, जो आपके हेयरिंग को
प्रभावित कर देते हैं। तो ये तमाम जो करेक्टरिस्टिक हैं जो बता रहे हैं तो उसी तरीके की है। डिजीज सच एज मेनिनजाइटिस ऐसा डिजीज है जो इस तरीके से प्रभावित करता है। और केमिकल्स एंड मेडिकेशंस नोन एज ऑटोटिक मेडिकेशंस, तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हमारे हेयरिंग सेल्स को प्रभावित कर सकते हैं या हेयर सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, प्रिकॉशंस लेना चाहिए। हम इसके भी कॉजेज की थोड़ा सा चालू कर लें कि कॉजेस क्या है। कॉजेस ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, एक्सपोजर टू लाउड नॉइज, यहाँ पे दिया है प्रिवेंट बट नॉट रिवर्सिबल। ये देखा जाता है कि हम इसको अगर कोई कंपनी में या मशीन की जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं और ये काफ़ी दिन तक अगर उसकी सर्विस है, लोग करते हैं सर्विस में, ये काफ़ी अवधि तक अगर ऐसे होते हैं तो इस तरीके के जो डैमेज होता है तो इसको बाद में हम रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्सिबल नहीं होता है, ये परमानेंट हो जाता है। तो धीरे धीरे हेयरिंग लॉस उसकी चली जाती है। और क्या है इसका, जैसे नॉइज का एक और कारण है, जैसे जो ट्रैफिक पुलिस होती है प्राय, जो यहाँ पे बहुत दिन तक कोई ट्रैफिक पुलिस वाला अगर काम करे और चारों तरफ से हॉर्न की आवाजें उस पर आती रहती है, तो ये भी अगर ज्यादा दिन तक अगर वो ड्यूटी ऐसे कर रहा है और इसकी रोज इसकी प्रक्रिया में आ गया है तो इसके भी धीरे 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 हेयर सेल डैमेज होते हैं। तो ये भी देखने को मिलता है कि जब तक वो आदमी 8 घंटे ड्यूटी पे रहा है, 8 घंटे अगर ड्यूटी है, ड्यूटी करने के बाद अगर तुरंत वो चेक कराए तो उसकी जो हियरिंग लॉस होगी वो अलग ही डीबी बताएगी कितना है, और जब वो रेस्ट करके आप सुबह आएगा तो वहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। प्राय ऐसे रिसर्च हुए हैं जो देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू अगर ऐसे शोरगुल भरे जगह पे वो काम कर रहा है तो उसके लिए ये परमानेंट हियरिंग लॉस के रूप में हो जाता है जो होते हैं। एक होता है एजिंग का। एजिंग क्या है, जैसे उम्र के साथ साथ, प्राय उम्र के साथ साथ भी हियरिंग देखने को मिलती है कि हियरिंग लॉस हो रहा है, इस तरीके के सिम्टम्स होता है। हेड ट्रॉमा होता है, जैसे सिर में, जैसे कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ, कोई सिर के बल गिर गया, तो इस तरीके के अगर आघात हैं तो भी हियरिंग लॉस होने की संभावना होगी और जिसका सिम्टम्स जो होंगे वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को आमंत्रित करेंगे। वायरस और डिजीजेज, हमने इसके पहले भी बहुत सारे वायरस हैं, जैसे मेनिनजाइटिस की बात कर रहे थे हम, चिकन पॉक्स वगैरह भी होता है अगर ज़्यादा, या मस्तिष्क ज्वर की हम बात कर लें, अगर तेज हो जाता है कोई चीज़ें तो भी यहाँ पे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर इनर ईयर डिजीज है, हेरिडिटी भी है, प्रायः ये भी देखा गया है कि श्रवणाभास या श्रवणबाधा अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, या हमारे दादा परदादा या पिताजी में कभी संभावना इस तरीके के है तो आने वाली पीढ़ी में भी देखने को मिल सकता है, ऐसा इसका एक पर्याय है। और फिर ऑटो माल फंक्शन ऑफ द इनर ईयर, अगर इनर ईयर हमारा काम करना, वो उसके भी बताएं क्यों ऐसा होगा, काम प्रभावित करेगा या काम नहीं कर पा रहा है, वो हेयर सेल्स की वजह से होता है। फिर ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, ट्यूमर बताया था उसके पहले, अगर कान में अगर इस तरीके के ट्यूमर है तो भी हियरिंग लॉस होने की संभावनाएं बन जाती हैं। नेक्स्ट आता है हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस पे। मिक्स्ड हियरिंग लॉस हमने पहले ही बताया, मिक्स्ड हियरिंग लॉस यानी बोथ जो कंडक्टिव था और सेंसरी न्यूरल था, ये दोनों अगर होते हैं, या आउटर ईयर में भी प्रभावित है, मिडिल ईयर में भी प्रभावित है और बाद में इनर ईयर को भी प्रभावित हो रहा है, जहाँ पे ये दोनों देखने को मिलता है उसको हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस देखने को कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से है जिसको हम सेंसरी न्यूरल और कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल दोनों के सिम्टम्स अगर इसमें आता है तब उसे हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। ये चीज़ें हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस, वो वही है कॉजेज इसका कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आउटर ईयर में हो, डैमेज हुआ हो, चाहे वाह कर्व को प्रभावित है, चाहे उसके ईयर कैनाल में कोई स्टेशन ट्यूब में कोई प्रभावित है, या उसके जो मिडिल ईयर का पार्ट है मेडियस इनका स्टेपिस अगर यहाँ पे प्रभावित है, या कान का पर्दा है, बाद में इनर ईयर में भी अगर कॉकलिया
ऑडिटरी नर्व जो हमारा मेनली है जो हम देते हैं उसको कॉकलिया से हेयर सेल्स जब वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ से ध्वनि तरंगे निकलती हैं, वो ध्वनि वही तरंगे बाद में इलेक्ट्रिक पाथवे तक इलेक्ट्रिक ऑडिटरी पाथवे तक पहुँचता है। तो ये हमारा जो होता है मेन जो है वो कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल, जहाँ पे दोनों सिम्टम्स देखने को मिलता है तब हम उसको हम मिक्स हियरिंग लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू हियर, हम साउंड को कैसे सुनते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको आगे वाले से उसमें पिक्चर्स के माध्यम से भी बताना चाहेंगे। तो हम मेन है हमारे कान के जो तीन पार्ट बताएं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर क्या करता है, सोर्सेस ऑफ साउंड को एकत्रित करता है, जहाँ से भी ध्वनियाँ आ रही हैं तो वो कलेक्ट करके हमारा कैनाल के माध्यम से मिडिल ईयर तक पहुँचाता है, इसका काम आउटर ईयर का होता है। तो यहाँ से जब मिडिल ईयर में जाता है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वहाँ पे कंपन होती है, जो ईयर ड्रम जिसको बोल रहे हैं वहाँ पे कंपन होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस में, ये तीनों। तो वो कंपन होने के बाद वो सीधे उस ध्वनि को कहाँ भेजता, इनर ईयर, कॉकलियर में। कॉकलियर में ट्यूब के एक घोंगे के आकार का, सिप के आकार का होता है और उसमें पूरा फ्लूइड भरा रहता है। तो वो फ्लूइड में हेयर सेल्स होते हैं छोटे छोटे जो ऐसे ऐसे कंपन करते रहते हैं, उसमें लगे हुए रहते हैं। तो वही कंपन होता है मैन हमारा साउंड जो ध्वनि तरंगे पैदा करता है जो हमारा ब्रेन तक वो पहुंचाता है। तो इस तरीके से जैसे अटैच द नर्व सेल इन द कॉकलियर आर थाउजेंड्स ऑफ टीनी हेयर सेल हेल्प टोन साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये कहाँ ट्रांसमिट करता है, ब्रेन को सीधे, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जब ब्रेन को भेजता है तब वो साउंड एनालाइज होता है, उसका अर्थ समझ पाता है। प्राय ये भी हो सकता है कि हमारा ऑडिटरी पाथवे पूरा तरह से अच्छे से हो लेकिन ब्रेन में अगर फंक्शन या साउंड को एनालाइज करने की शक्ति नहीं, यानी कहते हैं जिसको सेंट्रल हियरिंग लॉस यहाँ पे नहीं हम दर्शाए हैं क्योंकि वो हियरिंग से संबंधित, वो क्या मस्तिष्क से संबंधित, नर्वस सिस्टम से। तो मस्तिष्क अगर साउंड को एनालाइज कर रही है, हियरिंग चाहे अच्छी भी हो, कोई प्रभावित ना हो, चाहे आउटर, मिडिल, इनर सभी बेस्ट हो, लेकिन अगर हमारा ऑडिटरी पाथवे या जो मेन है ब्रेन, अगर वो साउंड को एनालाइज नहीं कर पा रहा है तो अर्थ क्या है वो समझ में नहीं आता है। प्राय ऐसे भी होते हैं कभी कभार कि सिर में ज़्यादा चोट लगी या ये सब चीज़ें हो गया तो ध्वनि तो सुनाई देती है लेकिन उसका अर्थ क्या निकल रहा है इस ध्वनि को, जैसे हम ये बोल रहे हैं आप सुन पा रहे हैं, ये तुरंत हो रहा है या कि एक प्रक्रिया में है, हम तुरंत जान पाते हैं मैं जो मैं बोल रहा हूँ आप वो सुन पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, इसका प्रत्युत्तर देना हुआ तो दे भी सकते हैं। लेकिन इसमें हमें बोलने में और आपको सुनने में कोई टाइम नहीं है, लेकिन अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में ये चीज़ें हैं, जैसे आउटर ईयर यहाँ से ध्वनि गई, ध्वनि जाने के बाद ये है ईयर ड्रम यहाँ पे दिख रहा है, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में हमारे तीनों बोन मेन ईयर्स, इनकस और स्टेपिस, जैसे ही ध्वनि यहाँ आती है ये वाइब्रेट होता है और फिर वाइब्रेट क्या करता है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस को कंपन होता है वाइब्रेशन, और ये यहाँ से भेजता है सीधे कहाँ, कॉकलियर को। कॉकलिया के ये अंदर जो है ये फ्लूइड भरे हुए जो ये शंख के आकार का आपको दिख रहा है, तो सॉरी, तो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को में अंदर बहुत सारे हेयर सेल्स रहते हैं, वही हेयर सेल्स जब कंपन करता है तो हमें साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल साउंड के माध्यम से निकलता है और वो हमें पहुंचाता है मस्तिष्क तक, ब्रेन तक, ऑडिटरी पाथवे के माध्यम से, जहां पे हम ध्वनि को पूरी तरह से सुन पाते हैं। तो ये रहा हमारा एक प्रकार से ऑडिटरी प्रोसेस क्या है, सुनने की प्रक्रिया कैसे है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हियरिंग प्रोसेस जो हम बता रहे थे, तो हियरिंग प्रोसेस में क्या है, जो अवेयरनेस ऑफ साउंड जो हमने बताया था कि साउंड की एक अलग है कि स्टेजेस हैं इस पे, तो अवेयरनेस ऑफ साउंड की जो बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या है, ध्वनियाँ आए, ध्वनियाँ आने के बाद वो उसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, ये तमाम चीज़ें उसमें अपने जो भी उनकी एक्टिविटीज है इतना सब पूरा होने के बाद तब हमारा हियरिंग प्रक्रिया खत्म होती है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ माय ऑडिटरी सिस्टम,
जो मैंने अभी पहले आपको बता रहे थे कि कौन कौन से हैं जो हमारे ऑडिटरी सिस्टम को पूरा, इसमें कौन कौन से पार्ट है जिसकी सहभागिता है, इसमें आउटर ईयर का पार्ट है हमारा, मिडिल ईयर का है, इनर ईयर है और ऑडिटरी नर्वस सिस्टम, यानी जब इनर ईयर से जब हमारी ध्वनि जाती है ऑडिटरी पाथवे तक, तो ये क्या क्या हुआ, यही है हमारे ऑडिटरी सिस्टम। जब किसी भी ध्वनि को पूरी तरह से सुनना और समझ पाने में ये सब चीज़ें, ये पूरे पार्ट जो ईयर के हैं वो समाहित होते हैं। इन सब में अगर कोई भी डैमेज हो जाए, कोई भी खराबी आ जाए, तो वो क्या करेगा, हमारे हेयरिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर देगा। What are the parts of my auditory system? हम तीनों को अब सबसे अलग अलग करके यहाँ पे भी दिखाया गया। आउटर ईयर में क्या है, आउटर ईयर को हम शायद अगर ये देखें जो आयकर्ण है, इसको हम पीना भी बोलते हैं, पीना। और फिर हमारा जो मेन है जो ध्वनियों को परसीव करके वहाँ ईयर कैनाल के माध्यम से मिडिल ईयर तक पहुँचाना। मिडिल ईयर में मैंने बताया ईयर ड्रम है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, ईयर ड्रम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, ये है। और तीन जो हड्डियां हैं जो मेन हैं हमारे मिडिल ईयर के, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां बोली जाती हैं, ये हैं हमारे उसमें। फिर उसके बाद इनर ईयर का पार्ट आता है। इनर ईयर जो हमने बताया कि एक सेल सीप के आकार का होता है, घोघे के आकार का होता है, और उसमें फ्लूइड भरा होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, फ्लूइड के उसमें भरा होता है, तो वो कंपन करते रहते हैं जिससे हमारा ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। वही ध्वनि तरंगे हमारे सीधे ब्रेन तक पहुंचता है, जहां पे एनालाइज करने के बाद हम उन ध्वनि तरंगों को, सूचनाओं को समझ पाते हैं। फिर आता है ऑडिटरी नर्वस सिस्टम का, जो ब्रेन स्टेम, यानी यही हमने बताया कि जब इनर ईयर से ध्वनि तरंगे सीधे मस्तिष्क को भेजी जाती हैं, तब वहाँ पे उस ध्वनि तरंगों को एनालाइज करके उसकी क्या सूचनाएं हैं ये हमें मालूम होता है। फिर अब हम लास्ट साइड जो हमारी है वो अफेक्ट्स ऑफ हियरिंग लॉस पे हम हमारी चर्चा करेंगे कि हियरिंग लॉस को क्या क्या अफेक्ट करता है, कैसे श्रवण प्रभावित करता है। तो कॉजेज ऑफ डिले, डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जब भी हमारा जैसे हियरिंग अगर प्रभावित हो गया है, तो हमारा क्या करेगा, रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को प्रभावित करता है। मेनली दो तरीके के हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है, जो हम परसीव कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव है जो हम अभ्यक्त कर रहे हैं। तो ये लैंग्वेज अगर हमारा हियरिंग प्रभावित हो गया, तो ये चीज़ें प्रभावित हो जाती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल प्रभावित हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल में स्पीच एंड लैंग्वेज, यानी अगर हियरिंग प्रभावित हुई तो मेन हमारा क्या प्रभावित होगा, हियरिंग के साथ सेकेंडरी जो हमारी डिफिकल्टी है स्पीच एंड लैंग्वेज की हो जाती है। तो यानी वाणी और भाषा दोनों चीज़ें प्रभावित हो गई अगर हमारा श्रवण प्रभावित हो गया। तो दूसरा कॉजेस क्या है हमारा, लैंग्वेज डेफिट कॉजेज लर्निंग प्रॉब्लम एट द रिजल्ट रिड्यूस एकेडमिक अचीवमेंट। यानी हमने बताया अगर हियरिंग प्रभावित हुआ तो हमारा वाणी और भाषा भी, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रभावित हुई, और जिसका स्पीच एंड लैंग्वेज प्रभावित हो गया तो उसका एकेडमिक अचीवमेंट भी प्रभावित हो जाता है। प्राय अगर हम श्रवणवादी बच्चे को देखें तो उसमें भाषा के अभाव में ही उनका जो हायर एजुकेशन तक अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही कम, और प्राय हमें देखने को मिलता है कि आसपास भी देखेंगे तो श्रवणबाधित बच्चों के लिए हम अगर बात करें तो हायर लेवल पे तो बहुत ही कम ऐसे होंगे जहाँ पे कॉलेज वगैरह मिलते होंगे। हम सेकेंडरी एजुकेशन तक तो हमें वो भी हर सिटी में नहीं देखने को मिलेगा, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो सेकेंडरी एजुकेशन के भी मिल जाएंगे कि जहाँ पर सेकेंडरी तक मिल रहा है। लेकिन अगर हम हायर की बात करें या इंटर की बात करें, हायर सेकेंडरी की बात करें, तब यहाँ पे कॉलेज या विद्यालय, स्कूल मिलने में हमारे श्रवण बाधित के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। और क्यों होता है, क्योंकि उनके पास वाणी और भाषा ये दोनों चीज़ों का कमी होता है। तीसरा, इसके अफेक्ट क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्किल को अफेक्ट करता है। फिर क्या करेगा, अब ये जो चीज़ें हैं सुनना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है तो उसे समाज के लोगों के साथ जुड़ा होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हम आप कैसे जुड़ पाते हैं, हम आप प्राय कैसे जुड़ पाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से बोल चाल लेते हैं, हम दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, दूसरे से पूछ भी सकते हैं, उसकी उसके पूछे गए उत्तर को हम समझ भी पाते हैं। अगर हम इसे अप्लाई करें एक श्रवणबाधित बच्चे पे, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है, क्योंकि ना तो उनकी बातों को कोई समझ पाता है, ना वो दूसरों के भाषा को वो समझ पाते हैं, क्योंकि वो साउंड को परसीव नहीं कर पा रहे।
तो ये चैलेंजेज है, और ये जिस पे चैलेंजेज आ गया, वाणी और भाषा नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन स्किल प्रभावित, कम्युनिकेशन स्किल प्रभावित हुआ तो क्या करेगा, वो समाज की मुख्यधारा के साथ जुड़ नहीं पाएगा। तो ये अगर समाज की मुख्यधारा के साथ नहीं जुड़ा तो क्या उसका सामाजिक डेवलपमेंट प्रभावित हुआ? सामाजिक डेवलपमेंट ही नहीं, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी प्रभावित हो जाता है। और शिक्षा के जो मेन उद्देश्य है वो क्या, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, वैयक्तिक जो विकास की बात होती है, सामाजिक विकास की जो बात होती है, ये तमाम जो उद्देश्य है उस शिक्षा के, वो श्रवण बाधित के लिए प्रभावित हो जाता है। तो एक श्रवण बाधित के अफेक्ट केवल हियरिंग का ही नहीं होता कि वो सुनना प्रभावित हुआ, उसका सुनना ही प्रभावित होना, वो तमाम ऑलराउंड डेवलपमेंट जो भी है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट प्रभावित हो जाता है। तो सुनना एक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी के साथ वो समाज की मुख्यधारा के साथ जुड़ पाता है, शिक्षा की मुख्यधारा के साथ जुड़ पाता है, अपने आप का वैयक्तिक विकास वो कर पाता है। तो अगर हम इस पे अफेक्ट ऑफ हियरिंग लॉस से करेंगे तो ये बहुत ही बृहद है, हमें समझना है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए हियरिंग बहुत ही आवश्यक है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, थैंक यू।